नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम करोड़पति फ्रॉम बोनस इश्यूइंग स्टॉक्स। बोनस जो इश्यू करने वाले स्टॉक्स है जो रेगुलर इंटरवल पर आपको बोनस देते हैं, उससे आप करोड़पति कैसे हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं कि कैसे आप बोनस इश्यू करने वाले स्टॉक से करोड़पति बन सकते हैं। फिर आपको हम एग्जांपल पर ले जाएंगे कि कैसे आपका जो 100 शेयर जो है या कहें एक शेयर वो लाखों शेयर हो चुका है मतलब बोनस इश्यू करने वाले स्टॉक से। मतलब एक शेयर में आप कैसे 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ लगाए रहते हैं। अभी आपके पास उस कंपनी ने इतना बोनस दिया है कि आपके एक शेयर को वो लाखों शेयर बना दिया है और कंपनी का शेयर का प्राइस अभी भी उतना ही रुपीज़ है। तो समझ सकते हैं आपको लाखों परसेंट का रिटर्न, मतलब एक शेयर लाखों शेयर बन गया और शेयर का प्राइस अभी भी उतना ही है जितना में आपने एक शेयर बाय किया था। तो आपको जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो बोनस में मिल गए, मतलब वो रिटर्न के रूप में मिल गए। एक शेयर का प्राइस उतना ही है जितना शुरू में था, तो आपने जितना इन्वेस्ट किया था अभी भी एक शेयर का प्राइस उतना ही है और आपको जो सारे शेयर मिले बोनस में वो तो रिटर्न के रूप में मिले। तो जो बोनस शेयर है उसका रिटर्न, आपका जो शेयर मिल रहा है फ्री में वो शेयर ही आपका रिटर्न है एक तरह से समझिए, क्योंकि कंपनी रेगुलर इंटरवल पे बोनस शेयर दे रही है। तो एक तरह से समझिए वो रिटर्न आपको मिल रहा है बोनस शेयर के रूप में। तो जैसे आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां जो डिविडेंड देने के बदले बोनस शेयर देना ज़्यादा प्रीफर करेंगी, क्योंकि आप डिविडेंड पे जो डिविडेंड है उस पे क्या होने वाला है, टैक्स लगने वाला है। आपको अपने इनकम टैक्स के अनुसार टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड वाले इनकम पर भी। अब गवर्नमेंट नए नए नियम ला रही है तो कंपनी भी नया नया तरीके ढूंढेगी अपने इन्वेस्टर को, अपने जो शेयर होल्डर है उसको रिटर्न देने के लिए। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि कैसे बोनस इश्यू करने वाले स्टॉक से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि डोंट थिंक टू मेक प्रॉफिट इन फ्यू वीक्स। अगर आप मतलब करोड़पति बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, अच्छे स्टॉक से, तो पहले तो आप कुछ ही सप्ताह में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में अपने बोनस इश्यू करने वाले स्टॉक में प्रॉफिट बुक ना करें। मतलब जिसे आपने ख़रीदा है कि हम इसके बोनस इश्यू से करोड़पति बनना चाहते हैं, ये हमें बोनस इश्यू जो करता है वो प्रॉफिट है एक तरह से आपका, वो लगातार प्रॉफिट है एक तरह से। कुछ समय रखिएगा स्टॉक का प्राइस फिर बढ़ करके वही प्राइस पे आ जाएगा जहां से बोनस इश्यू करने के बाद वो डिक्रीज हुआ था। तो इसलिए आपको बोनस शेयर जो मिल रहा है प्रॉफिट के रूप में एक तरह से मिल रहा है, गिफ्ट के रूप में, आप उसको बेचें नहीं बस कि संभाल के रखें। तो डोंट मेक प्रॉफिट फ्यू वीक्स फ्यू मंथ। दूसरा है यू शुड बाय मोर एंड मोर शेयर ऑफ बोनस इश्यूइंग शेयर। आपको अधिक से अधिक शेयर बाय करने चाहिए, मतलब जितना अधिक रिस्क उतना अच्छा रिवार्ड। जितना अधिक आप शेयर बाय करके रखेंगे आपको रिवार्ड भी आगे आने वाले समय में उतना ही अधिक मिलेगा और इसे होल्ड करें कम से कम 5 से 10 साल। तो इसमें जो बोनस इश्यू करने वाले शेयर हैं सबसे पहले तो ग्रोथ होना उसमें आवश्यक है। ग्रोथ हो उसके बाद आपको बोनस दे रहा है तो उसे 5 से 10 साल कम से कम मिनिमम आपको होल्ड करना चाहिए। ऐसे कम से कम हमारा जो टाइम होता है कि आप 20 साल होल्ड करें, लेकिन उसी कंपनी को होल्ड करें जिसमें ग्रोथ हो। आप ऐसे जैसे तैसे कंपनियों को बाय कर लें उसे होल्ड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वैसी कंपनियां जिसमें ग्रोथ हो तब वो जो आपको बोनस देगा वो आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसका शेयर प्राइस फिर से स्प्लिट होगा, फिर से ग्रो करके उसी प्राइस पे शेयर चला जाएगा, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ करके। तो इस तरह से आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर मिला बोनस के रूप में वो आपका प्रॉफिट है, लगातार प्रॉफिट के रूप में नंबर ऑफ़ शेयर्स बोनस के रूप में फ्री में मिलेंगे। अगला है हमारा ऑन एवरी बोनस इश्यू, प्रत्येक बोनस इश्यू पर एट द एक्स बोनस डेट नंबर ऑफ़ शेयर इंक्रीज इन द मार्केट। नंबर ऑफ़ शेयर मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा जितना, मतलब जिस रेशियो में आपको बोनस दिया गया उसी रेशियो में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तो जो शेयर का लिक्विडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा मतलब शेयर काफ़ी ज़्यादा ऑफर होने लगेगा सेल के लिए। तो वैसे में जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर सामान अधिक हो, मतलब जो खरीदने वाले कम हो और सामान का मतलब जो सामान है हमारा वो अधिक है, अगर बायर्स 10 सामान खरीदने के लाए है और आपके पास सामान 20 है, मतलब आप बेचने वाले आपके पास जो बेचने के लिए सामान वो 20 है, आपको 20 का 20 सामान बेचना ही है और बाय करने के लिए 10 ही मतलब आए हैं, 10 ही सामान बाय करने आया है, तो आप क्या करोगे उसको
कम प्राइस पर ऑफर करोगे कि आप इसे बाय कर लो। तो यही होता है, शेयर का नंबर जब बढ़ेगा तो उस समय जो बाय करने वाले हैं वो तो लिमिटेड हैं, तो जब प्राइस नीचे आ गया है तो उसको देख करके छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो है उस समय थोड़ा भयभीत भी हो जाते हैं कि शेयर का प्राइस इतना नीचे कैसे आ गया। जिनको बोनस शेयर के बारे में पता नहीं है, उनके डिटेल के बारे में पता नहीं है कि बोनस रेशियो के बाद प्राइस उसी रेशियो में कम होता है, वो तुरंत पैनिक हो जाते हैं और शेयर को सेल करने लगते हैं। तो बायर्स तो वहाँ कम है, तो जो बायर्स कम है तो शेयर का प्राइस नीचे आने लगता है। लेकिन जैसे प्रॉफिट आगे कंपनियां मेक करेगी, प्रॉफिट अपना दिखाएगी, अपना ग्रोथ दिखाएगी, शेयर का डिमांड उसी रेशियो में बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस कम हो चुका है। तो जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और शेयर का प्राइस फिर से ग्रो होने लगेगा डिमांड बढ़ने के कारण, क्योंकि कंपनियां तो ग्रो की है, प्रॉफिट अपना दिखाई है कि हमने प्रॉफिट उस बार 100 करोड़ किया था तो इस बार 120 करोड़ किया है। तो इंटरेस्ट इन्वेस्टर का बढ़ेगा, शेयर का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस फिर से मूवमेंट पकड़ेगा। तो इस तरह से बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में बोनस शेयर से। तो इसलिए बोनस शेयर मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें तब बेनिफिट्स होगा। उसके बाद है When profit of the company will increase, stock price will also increase। ये तो हमने पहले ही बता दिया, प्रॉफिट कंपनी का 100 करोड़ था अब 120 हो गया, तो कंपनी जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करेगा शेयर का डिमांड फिर से बढ़ेगा, मतलब लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे कंपनी के फ्यूचर में, तो शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो यू विल गेट ह्यूज रिटर्न। तो इस तरह से बोनस शेयर से आप ह्यूज रिटर्न प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके रियल एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसे बोनस करने वाले शेयर से आपने एक शेयर बाय किया, आपको लाखों शेयर रिटर्न रूप में प्राप्त किए जो बोनस इश्यू करने वाली कंपनियां हैं उससे। तो दोस्तों जब भी बात आती है बोनस शेयर का तो सबसे टॉप में जो शेयर का नाम है वो है विप्रो। विप्रो इतने बोनस दिए, इतने बोनस दिए हैं कि वो अपने इन्वेस्टर को अगर वो 100 रुपया इन्वेस्ट किए रहते तो 7 करोड़ रुपया होता। कब? 1980 में। 1980 में 100 रुपया तो हर किसी के पास था, को इन्वेस्ट किया जा सकता था। तो चलिए इसके बोनस के मैजिक को हम दिखाते हैं, एक शेयर के बोनस के मैजिक को। आपने एक शेयर उस समय बाय किया होता 100 रुपया में, 100 रुपया फेस वैल्यू था, उसी प्राइस पे उस समय मिल रहा था, और अभी भी बोनस इसका जो विप्रो के शेयर का प्राइस है वो 220 रुपया है। तो अभी समझ सकते हैं आपके एक शेयर पर अभी भी रिटर्न जो मिल रहा है वो 120% मिल रहा है, मात्र 120%। कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा कि 1980 से लेकर 40 साल में मात्र 120% का रिटर्न मिल रहा हो, मात्र एक शेयर पर 120% का रिटर्न, और 40 साल में कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा विप्रो में। लेकिन जैसे आप बोनस शेयर के मैजिक को देखेगा तो दुनिया का हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम विप्रो में इन्वेस्ट किए होते, काश हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम अगर विप्रो में इन्वेस्ट किए रहते तो आज हम करोड़पति होते। तो चलिए कैसे, तो देखिए हम एक शेयर हम 1980 में लिए, फिर 1981 में बोनस दिया 1:2 शेयर हो गया, फिर 1:85 में 4 शेयर, फिर फेस वैल्यू 10 रुपये में स्प्लिट हुआ 100 से, तो कितना हो गया 10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ, तो 10 से गुना कर दिया 40 शेयर हो गया। फिर 1987 में बोनस दिया 1:1 का 80 शेयर हो गया, फिर 1:1 160 हो गया, 92 में फिर 1:1 320 हो गया, फिर 1:1 95 में 640, फिर 2:1 मतलब एक शेयर पे दो दो शेयर फ्री। तो फिर ये शेयर जो है आपका डायरेक्ट 3 गुना, क्योंकि इस पर इससे 2 गुना शेयर तो फ्री ही मिल जाएगा आपको। तो 1920 शेयर, इसे 1999 का समय आता है, स्टॉक स्प्लिट हो जाता है फेस वैल्यू 2 में, 10 से 2 में 5 गुना हो जाएगा शेयर, क्योंकि फेस वैल्यू 5 गुना कम किया गया तो हो गया 1920 गुना 5 9600 शेयर। फिर 2004 में 2:1 का बोनस, तो यहाँ से इतना शेयर पे 2 गुना शेयर फ्री मिला, तो इतना में 2 गुना शेयर जोड़ दीजिए 28,800 शेयर। फिर 1:1 का बोनस 57,600, फिर 2:3 में बोनस, मतलब 2:3 में बोनस, 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर दिया गया तो हो गया 96,000 शेयर। फिर 1:1 के रूप में बोनस शेयर हो गया 1,92,000 शेयर आपको। फिर यहाँ पर 1:3 के रेशियो में हो गया आपका 2,56,000 शेयर। आप समझ सकते हैं 2,56,000 शेयर फ्री में आपको मिला, तो 2,56,000% का रिटर्न आपको दिया 40 साल में विप्रो ने। सिर्फ 2,56,000 बोनस शेयर के रूप में रिटर्न नहीं दिया, मतलब 2,56,000 शेयर आपको फ्री नहीं दिया, साथ ही साथ इस शेयर का जो प्राइस है उसमें 120% का ग्रोथ भी दिया आपको।
इतना शेयर फ्री दिया आपको, साथ ही साथ ये जो शेयर आप बाय किए थे एक शेयर 100 रुपये के प्राइस पर, अभी जो इस 256,000 शेयर को आप बेचेंगे 220 रुपये के रेट से, तो दोस्तों कितना बड़ा रिटर्न दिया आप, बोनस का शेयर का मैजिक आप देख सकते हैं। तो अपने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे अगर अभी आप रिटर्न निकालेंगे, 210, अभी 220 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 5.6 करोड़ हो जाएगा। 220 लीजिएगा तो यहाँ पर आपका और रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका रिटर्न जो है 6 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आपको किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकता, चाहे आप प्रॉपर्टी में करें चाहे गोल्ड में करें। गोल्ड में जो इन्वेस्ट किए थे, जो 2011 में इन्वेस्ट किया, अभी उनका प्रॉफिट माइनस में है, मतलब उनका वेल्थ माइनस में है, क्योंकि उस समय गोल्ड का प्राइस हाईएस्ट था। तो समझते हैं, ना तो प्रॉपर्टी में आप रिटर्न इतना प्राप्त कर सकते हैं, ना तो गोल्ड में कर सकते हैं कि 100 रुपये में प्रॉपर्टी खरीदे, वो प्रॉपर्टी अभी आपका 6 करोड़ का हो जाए, बहुत ही कम ऐसे रेयर चांस होते हैं। तो दोस्तों ये था बोनस का मैजिकल रिटर्न कि कैसे आप बोनस शेयर के द्वारा करोड़पति बन सकते हैं, वो भी मात्र 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, 2,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने करोड़ों का रिटर्न दिया है, जिसको हम कई सारे वीडियो में आपको दिखाते रहते हैं कि इस शेयर ने 10,000 रुपये को करोड़ों बनाया है। तो वैसे ही शेयर आपको हमारे जो चैनल पर आता है अच्छे अच्छे वीडियो, उसमें से सेलेक्ट करना है कुछ शेयर को जो कि आपके 10,000 को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझने में हेल्प किया होगा कि कैसे बोनस शेयर के द्वारा आप करोड़पति बन सकते हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।